स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। ये पार्ट फोर है और इसमें हम जुलाई 2019 का जो साइंस वन पेपर था उसके सम्स गो थ्रू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इफ द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इज रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। पलायन वेग उस पृथ्वी पे और प्लायन बैग उस ग्रह पे, दोनों के बीच में क्या अनुपात आएगा वो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अर्थ, तो हमने इधर अर्थ लिखा, अर्थ और वो प्लैनेट। तो अर्थ के लिए जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ के लिए जो मास है उसको एम ई लिखा और अर्थ का जो रेडियस है उसको आर ई लिखा और प्लैनेट का जो द्रव्यमान है उसको एम पी लिखा और प्लैनेट का जो रेडियस है उसको आर पी लिखा। वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का 8 गुना है और जो रेडियस है अर्थ का 2 गुना है और आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एस्केप वेलोसिटी का। इसका एस्केप वेलोसिटी वी ई, इसका एस्केप वेलोसिटी वी पी ले रहे हैं हम, तो वी ई डिवाइड बाय वी पी लेना है। ठीक है, तो वी ई डिवाइड बाय वी पी लेना है आपको। अच्छा, वी ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर। अभी कस्टमाइज कर लेते हैं, जी जी तो सेम है, अर्थ के लिए एम ई, अर्थ के लिए आर ई, प्लैनेट के लिए एम पी, आर के लिए आर पी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई अपॉन आर ई डिवाइड बाय, अब उसकी जगह वैल्यू लिखते हैं ना बेटा, 2 जी एम पी की जगह क्या आएगा 8 एम ई और आर पी की जगह क्या आएगा 2 आर ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई अपॉन आर ई डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो इधर वाले का उल्टा हो जाता है, तो 2 आर ई अपॉन 2 जी इंटू 8 एम ई। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट पूरे का हो गया ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, वर्गमूल है, तो पूरे का हो गया 2 जी एम ई अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाय 2 आर ई अपॉन 2 जी 8 एम ई, 2 और 2 कट, आर ई कट, एम ई कट, जी और जी कट, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, तो क्या बचा 1 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर रूट बचा और इधर क्या आएगा, क्या था, वी ई डिवाइड बाय वी पी, तो वी ई अपॉन वी पी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो वी 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, जी का वैल्यू अर्थ के अंदर जाते तो क्यों बदलता है। देखिए बेटा, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ हम ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होता है और अंदर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये कम होगा, क्योंकि ऊपर नीचे ना, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो इसलिए ऊपर जाने पर हाइट तो कम होगी। अच्छा, नीचे जाने पर हाइट क्यों कम होगी, नीचे जाने पर हाइट इसलिए कम होगी बेटा कि आप यहाँ पे हो, अब यहाँ पे चले गए आप, तो अर्थ का क्या हो गया, साइज भी कम हो गया, अर्थ का मास भी कम हो गया, और अंदर गए और साइज कम हुआ और मास कम हुआ, मतलब क्या, मास आपका कम हो रहा है ना, तो जी भी क्या होगा, कम, इसलिए अंदर हम जाएंगे तो अर्थ पूरे होल अर्थ काम नहीं करता, अर्थ का साइज रिड्यूस हो जाएगा, मास रिड्यूस हो गया, रेडियस रिड्यूस हो गया, तो फॉर्मूले में सारी क्वांटिटी कम हो गई तो जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ऐसा आपको आंसर लिखना है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंकड़ा आप याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां भी आया, मतलब लाइट वैक्यूम से होकर मीडियम में जा रही है, लाइट वैक्यूम से होकर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसका ड्रॉइंग बनाते हैं, ये आपका वैक्यूम है निर्वात और ये आपका मीडियम है, मीडियम को मैं एम लिखता हूँ, ये नॉर्मल लंप और लाइट ऐसे जा रही है, तो वैक्यूम को मैंने वी वन बोलता हूँ, मीडियम वन बोलता हूँ, और मीडियम को मैं इधर मीडियम को वी टू बोलता हूँ, मीडियम वन या मीडियम टू। तो यहाँ पे कितनी स्पीड होगी वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और मीडियम टू में कितनी स्पीड है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालना है, लाइट का ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट एक में से टू में जा रही है, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो ये क्या आ जाएगा, वी वन अपॉन वी टू, वी वन की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसका वैल्यू क्या है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल, क्या बचा, 3/1.5, पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा, उसका एक जीरो ऊपर चले गया, 15 हो गया, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, आंसर क्या आएगा, 2। यूनिट नहीं डालना बच्चों, यूनिट नहीं डालना, ये डायमेंशन लेस है क्वेश्चन, तो हमारा सारा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि इतना कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो आपका जरूर बन जाएगा। तो डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1.5D, पावर दिया है प्लस में, भैया अगर पावर प्लस में दिया तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, याद रखिए, पावर प्लस में दिया तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और पावर माइनस में दिया है तो कॉन्केव लेंस होगा, और माइनस में दिया है तो कॉन्केव होगा। तो उन्होंने बोला है फोकल लेंथ निकाल लें, और बोला है किस प्रकार का लेंस है, तो हमने पावर देख के बता दिया कि किस प्रकार का लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, अगर पावर माइनस होता तो कॉन्केव लेंस। और डिफेक्ट क्या होगा, भैया कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना, लाइट को मिलाना, तो इसके पहले क्या हो रही, लाइट दूर जा रही होगी, लाइट दूर, दूर मतलब दूर, तो मतलब रेटिना के बाहर जा रही होगी, मतलब फार साइटेडनेस की इसको बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया की इसको बीमारी है, ठीक है। आप पावर कैसे निकालते हैं, तो फोकल लेंथ का आएगा 1/P, पी 1/F है या एफ 1/F, यहाँ पे पावर को डायोप्टर बड़ा डी और फोकल लेंथ को मीटर में मापते हैं, अगर फोकल लेंथ एग्जाम में सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। इज इक्वल टू 1/P का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है +1.5D, तो डी तो हटा देता हूँ, तो 1 का 10 ऊपर गया तो 15 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो F क्या हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, बरोबर कि नहीं बरोबर, हाँ 10/2/3, तो 2/3 को डिवाइड कर लो तो 0.66 समथिंग आ रहा है, 0.66 मीटर। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, जय हिंद।